हेलो फ्रेंड्स, और एक वीडियो में आपको स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आई फाउंड दीज सेवन स्मॉल केस रियली रियली फंटास्टिक स्मॉल केस, क्योंकि ये सेवन स्मॉल केस में रिसेंट डेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किए हैं स्मॉल केस में। आपको ये डाटा स्मॉल केस एप्लीकेशन स्मॉल केस वेबसाइट से भी मिल जाएगी। यू कैन फाउंड देयर 20 स्मॉल केस जहां पे सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, बट आई पिक ओनली सेवन स्मॉल केस जो मुझे काफी अच्छा लगा, एंड फ्यू स्मॉल केसेस आर क्वाइट न्यू बट रियली रियली डूइंग ग्रेट। एंड आज के डेट में जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है स्मॉल केस वेबसाइट से मैंने लिया है, स्मॉल केस एप्लीकेशन से लिया है, इसी सेवन स्मॉल केस में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट किए। अब चलिए देखते हैं, डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं एक्सेल शीट के साथ, सो दैट यू कैन फाउंड ए ग्रेट आइडिया कि एग्जैक्टली ये स्मॉल केस कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिफोर गोइंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हुए तो आप इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हो 67% लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, आपको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए, जो आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसे वीडियो बना के ला पाऊं। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में काफी सारे स्मॉल केसेस की मैं रिव्यू करता रहता हूं, एवरी वीक में वीडियो पोस्ट करता हूं, आपको ऐसे रिव्यू और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और ये एकलौता ऐसा स्मॉल केस रिगार्डिंग चैनल है जहां पे आपको वेराइटी स्मॉल केस मैनेजर के साथ पॉडकास्ट वीडियो मिलेगी, जहां पे मैं हर तरह का चीजें को डिस्कस करता रहता हूं एंड ट्राई करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊं। सो फ्रेंड्स, डोंट लेट, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। नाउ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये सेवन स्मॉल केस कैसे परफॉर्म कर रहा है, डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। यू कैन सी हियर, मैंने फर्स्ट रो में सारे सेवन स्मॉल केसेस की नेम लिखी है। नंबर 1 पे गुलगियर 6 स्मॉल केस, नंबर 2 में जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप, नंबर 3 जीआई निफ्टी टॉप 10 ब्लू चिप, नंबर 4 में राइट मोमेंटम, नंबर 6 में ग्रीन एनर्जी, नंबर 6 बीएम विजन 2030 एंड नंबर 7 सुपर मल्टीप्लायर स्मॉल केस। ये जो नंबर 7 सुपर मल्टीप्लायर स्मॉल केस, काफी सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट किए हैं कि आप इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो इस स्मॉल केस के रिगार्डिंग बना के लाऊंगा, डोंट वरी, बट ये वीडियो में इसके बारे में हम जानेंगे। सो यहाँ पे सेकंड रो में मैंने यहाँ पे सीजी रिटर्न को डिस्प्ले किया है। जितने सारे स्मॉल केस आप जब देखते हो तो वहां पे स्मॉल केस वेबसाइट में या फिर स्मॉल केस एप्लीकेशन में कैलकुलेशन जो होती है सीएजीआर कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाते हैं, यानी कितना परसेंट एनुअलाइज ग्रोथ हुआ है। इसी हिसाब से गुलगियर 6 में 59.92% 4 ईयर सीएजीआर है, यानी अगर 4 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते तो आज के डेट में आपका पैसा एवरी ईयर 59% के हिसाब से ग्रो होती, तो कितना पैसा बनता आप सोच सकते हो। सिमिलरली ये सारे स्मॉल केसेस की मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, आप देख सकते हो। थर्ड रो में मैनेजमेंट, मैंने पहले भी कहा है किसी भी पोर्टफोलियो में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो या फिर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो आप वहां पे मैनेजमेंट को देखो। अगर आपके मैनेजमेंट सही नहीं होगी आपका पैसा, रिटर्न तो छोड़िए, नेगेटिव में चला जाएगा, आपका कैपिटल भी लॉसेस हो सकता है। अगर आप ये सारे स्मॉल केस मैनेजर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे ये पॉडकास्ट सीरीज प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आपकी इस लिंक ये स्मॉल केस वीडियो में मिल जाएगी आपको, आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल केस मैनेजर के साथ मैंने पॉडकास्ट वीडियो शूट किया है, आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा उनके बारे में, हाउ एक्सपीरियंस दे है, उनके आइडिया कैसे हैं, कैसे स्टॉक्स को पिक करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगी। बिलीव मी, आप इस वीडियो को जरूर देखना, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी एंड देन आप डिसीजन लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे नेक्स्ट रो में मैंने यहाँ पे रीबैलेंसेस टाइमलाइन लिखा है। फ्रेंड्स, रीबैलेंस में क्या होता है आप सभी को पता होगा, स्मॉल केसेस में अगर आप रीबैलेंस करते हैं यानी मैनेजमेंट टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते हैं, अगर रीबैलेंस में क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स को बेचा जाता है, कुछ स्टॉक्स को खरीदा जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे एग्जिट हो जाते हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करने वाला है या फिर कर रहा है तो ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे जीएसटी, सर्विस चार्जेस, ब्रोकरेज फी, ये सब चार्जेस भी लगते हैं, तो ये सारे जो होते हैं यहाँ पे रीबैलेंसेस के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्मॉल केस, पर्टिकुलरली 4 स्मॉल केस मंथली रीबैलेंस होता है एंड 3 स्मॉल केस यहाँ पे नीड बेसिस रीबैलेंस होता है। मैं शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं, जो मंथली वाली रीबैलेंस होता है वहां पे आपको हाई चर्न देखने को मिलेगा, जो नीड बेसिस रिबैलेंस होता है यहाँ आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, अगर आपको ईयरली ईयर में एक 1 ईयर में 2-3 टाइम्स अगर रिबैलेंस होता है तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन भी कम मिलेगी। सेकंड में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस मैंने यहाँ पे लिखा है जो नंबर 6th रो में, आप देख सकते हो सारे स्मॉल केसेस पेड स्मॉल केस है, तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन फीस भी देनी होगी। आप देख सकते हो गुलगियर 6 की 5,800, सिमिलरली किसी किसी स्मॉल केस में तो 30,000, जैसे देख सकते हो बीएम विजन 29,500, ऑलमोस्ट 30,000, सुपर मल्टीप्लायर 26,000, यहाँ पे आपको ईयरली चार्जेस भी लगता है। नेक्स्ट रो में आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर में मैंने डिस्काउंटेड प्राइस लिखा है,
क्या होता है फ्रेंड्स, काफी सारे स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल होता है जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इसे यूज करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, सब्सक्राइब करोगे, तो अगर आप डिस्काउंट कूपन कोड का लेवरेज करोगे तो आपको इंस्टेंटली 30%, 40%, 50% तक भी डिस्काउंट मिलती है। अगर आप किसी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, बिफोर दैट आप एक बार चेक कीजिए हमारे साथ, अगर आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिलती है देन आपको क्यों ज्यादा पैसा देना है, यूज कीजिए। और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया, जैसे गुल्लो गियर 6 में 33% मिलती है, जे निफ्टी नेक्स्ट 50 में 20% डिस्काउंट मिलती है, राइट मोमेंटम में 25% मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट रो में यहाँ पे रिटर्न मैंने यहाँ पे दिखाया, लास्ट 6 मंथ 1 ईयर एंड 2 to 3 ईयर यहाँ पे रिटर्न मैंने दिया है। आप ये कहोगे 6 मंथ 1 ईयर तो समझ में आता है, बट 2 to 3 ईयर क्या हुआ? आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्मॉल केस 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया, जैसे जीआई के स्मॉल केस 9 मंथ कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता ना इतना रिटर्न, कहाँ पे लाऊंगा आपको डाटा। तो बट बाकी जो स्मॉल केस जैसे बीएम विजन 2 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, मैं कह सकता हूँ 2 ईयर्स कंप्लीट करने जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैं 2 to 3 ईयर्स लिखा है। और एक फैक्टर यहाँ पे है, लेट्स से गुल्लो गियर 6 4 साल कंप्लीट कर चुका है, बट आप सभी को पता है कोविड के बाद मार्केट काफी तेजी में भागा था जो पर्टिकुलर ईयर में, इसलिए मैंने उस डाटा को नहीं लिया, क्योंकि वहां पे अगर आप आंख बंद करके अगर कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी स्टॉक्स में पिक करके इन्वेस्ट करते तो आज के दिन आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, तो यहाँ पे वो डाटा लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे रिटर्न शो किया। ये पूरा डाटा देख सकते हो, जो रिटर्न दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये आपको स्मॉल कैश वेबसाइट में भी मिलेगा, बट यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, जो रिटर्न मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट देखो, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो येलो कलर की लाइन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, किसी किसी स्मॉल केस में 3 लाख, किसी किसी स्मॉल केस में 5 लाख, 15 लाख, 13 लाख जैसे मैंने लिखा है। ये डिपेंड करता है कि आपका सब्सक्रिप्शन फीस कितना है। मैंने काफी बार कहा है सब्सक्रिप्शन फीस का जो 2 to 2.5% के अंदर आप रखिए, सो दैट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करोगे, तो मिनिमम आपको इतने रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट आपको जो रिटर्न मिलेगी ठीक ठाक आपको मिलेगी, नहीं तो सारे पैसे तो मैनेजर से ले जाएंगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और अगेन ये जो रिटर्न है जो मैं बता रहा था आपको, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस आपका सब्सक्रिप्शन चार्जेस ये सारे एक्सक्लूड करने के बाद जो नेट रिटर्न है, जो एग्जैक्टली स्लिपरेज वगैरह भी माइनस करने के बाद जो रिटर्न आता है, ये रिटर्न को मैंने दिया है जो एग्जैक्टली रिटर्न यही है। यहाँ पे ये रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि आप बताओगे रिटर्न कहाँ से उठा के दिखा दिया, लोग बोलते नहीं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स से मैंने गुल्लो गियर 6 के देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गुल्लो गियर 6 में 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे एडिट कीजिए, गुल्लो गियर 6 स्मॉल कैश को ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे कॉस्ट एडजस्टमेंट रिटर्न में जब आप जाओगे पेज में, यहाँ पे एडिट करके अपना अमाउंट डालिए, अप्लाई कीजिए, तो आपको यहाँ पे 6 मंथ 1 ईयर ये सारे डाटा आप देख पाओगे। लेट्स से 1 ईयर में 67.38% रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये डाटा मैंने यहाँ पे 67.38% डाटा दिखाया। तो ये आप कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो, ये सारे चीज करने के लिए काफी टाइम लगा है फ्रेंड्स। सो आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो लाइक करें। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बेंचमार्क मैंने यहाँ पे दिया है, आप बोलोगे बेंचमार्क क्या है, क्योंकि आप किसके साथ कंपेयर करोगे, ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे हो सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा हो सकता है स्मॉल कैप स्टॉक्स ज्यादा हो, तो इसी हिसाब से बेंचमार्क यहाँ पे दिया गया। अगर आप बेंचमार्क के साथ कंपेयर भी करोगे तो ये सारे स्मॉल कैप्स काफी अच्छे परफॉर्म किया है। एंड यहाँ पे देखोगे ये सारे रिटर्न देखने के बाद अभी बोलोगे कि यहाँ पे तो ग्रीन एनर्जी सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, यहाँ पे सुपर मल्टीप्लायर तो 100% से भी ज्यादा सीजर रिटर्न दिखा रहा है, क्या आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे? फ्रेंड्स मैं नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे, अगर मुझे पर्सनली आप पूछोगे मैं ये कहूंगा। अब देखो सुपर मल्टीप्लायर में 2 to 3 स्टॉक्स होते हैं, आप सोच के देखो 2-3 स्टॉक्स के लिए आप ईयरली दे रहे हो 26,000 दे रहे हो, मुझे तो नहीं लगता किसी हिसाब से ये वाजिब है, हो सकता है रिटर्न ज्यादा दिया हो, बट ये भी देखो ओनली 2 to 3 स्टॉक्स। अगर कुछ भी होता है मार्केट जैसे वोलेटाइल है, अगर कुछ न्यूज आ गया, फिर मार्केट में थोड़ा गिरावट आया, ऐसा हो गया कि ये 2-3 जो स्टॉक्स है यहाँ पे ओनली 2 स्टॉक्स मेरे हिसाब से अभी राइट नाउ यहाँ पे है, बट ये 2 स्टॉक्स में अगर गिरावट आता है तो आपका पोर्टफोलियो कितना नेगेटिव में जा सकता है, एंड वहाँ पे आप एग्जिट होने के लिए भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, स्टॉक हो जाओगे। तो इसलिए ऐसे पोर्टफोलियो से दूर रहना मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। एटलीस्ट आपको 7 to 8 स्टॉक मिनिमम तो होनी चाहिए एक पोर्टफोलियो में, मैं ऐसे प्रीफर करता हूँ 10-15 स्टॉक्स से अगर ज्यादा होते हैं तो अच्छे होते हैं, हो सकता है कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे, ऐसा तो नहीं ना मैनेजमेंट 100% श्योर के साथ बोल सकते नहीं ये वाली मेरा रिटर्न देगा, अगर कोई ऐसा बोलता है ना तो आपको ये बेवकूफ बना रहा है। नाउ फ्रेंड्स आपने रिटर्न देखा, अगर आप सोच रहे हो कि रिटर्न देखे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो मैं कहूंगा आप ट्रैप में फंस जाओगे।
बिफोर दैट आप एक बार टेक्निकल रेशियोज को भी देखते हैं, क्योंकि देखो पी रेशियो पीबी रेशियो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इसे नहीं देखोगे तो एग्जैक्टली उस पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन क्या है, जो स्टॉक्स को लिया गया है उसका वैल्यू क्या है, सही वैल्यू का स्टॉक्स है कि नहीं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हाई वैल्यू स्टॉक्स को लेते हो, लेट्स से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है आप स्टॉक्स को लेते हो, इन्वेस्ट करते हो, कल अगर मार्केट गिरेगी तो वो स्टॉक्स तो आपको इतना पिटेगी तो आपका पोर्टफोलियो से पैसा गायब हो जाएगी, नेगेटिव में चले जाएगा। मैंने काफी सारे यूट्यूबर का भी बात अभी सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि पी रेशियो पीवी रेशियो स्मॉल कैप में चेंज होती रहती है, बट इसे देखना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा भाई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये टेक्निकल रेशियोज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये वाली जो पॉडकास्ट सीरीज मैंने आपको कहा था, स्मॉल कैप मैनेजर की बातें सुनिए, सो दैट आपको ये आइडिया मिल जाएगा। उनके मैनेजर ही कह रहे हैं कि भाई आपको ये चीज देखना काफी जरूरी होते हैं अगर आप सही इन्वेस्टर हो। ऐसे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बट मैं कहता हूं किसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। तो पी रेशियो अगर आप देखोगे गुल्लक गियर सिक्स की, मैंने यहाँ पे नीचे और एक टेबल दिया है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप बेंचमार्क की पी रेशियो पीबी रेशियो एंड शार्प रेशियो मेंशन किया है। सिमिलरली गुल्लक गियर सिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो मल्टी कैप की बेंचमार्क के साथ देखोगे काफी अच्छे वैल्यू में आपको स्टॉक्स यहाँ पे मिलेगा, यानी सारे जो स्टॉक्स है यहाँ पे एवरेजली आप देखोगे 27.09 पी रेशियो दिखा रहा है, पीबी रेशियो 4.84 जो काफी अच्छे होते हैं। पर थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे जो मल्टी कैप की जो पीबी रेशियो 4.33 है, बट पीबी रेशियो यहाँ पे गुल्लक गियर सिक्स की 4.84 है, बट कंपेयर टू पी रेशियो ये सही वैल्यू है। तो ये पीबी रेशियो पी रेशियो को अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे दोनों बेंचमार्क के साथ, यहाँ पे काफी अच्छा वैल्यू में स्टॉक्स मिलेगी। यहाँ पे और एक रो है शार्प रेशियो, आपको ये शार्प रेशियो क्या होती है, मैं सिंपली आपको इतना बताऊंगा, अगर शार्प रेशियो 1 से ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा हाई वोलेटाइल नहीं होते हैं, अगर 1 से कम होते हैं वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, काफी रिस्की होती है। ऐसे तो इस स्मॉल कैप हाई वोलेटाइल है ही, बट आपको शार्प रेशियो से पता चल जाएगा कितना ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये काफी अच्छे वैल्यू में आपको देखने मिलेगा। सिमिलरली ये दोनों स्मॉल कैप जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड जीआई निफ्टी टॉप 10 ब्लू चिप, ये दोनों मुझे पर्सनली अभी आज के डेट में काफी पसंद है, क्योंकि देखो ये 9 मंथ पे रिटर्न तो दिया ही अच्छा, बट यहाँ पे देखो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, एंड लार्ज कैप स्टॉक्स क्या होता है, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते, और इतना कम वोलेटाइल होने के बाद भी ग्रोथ थोड़ा सा कम होता है ब्लू चिप में, बट यहाँ पे देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है। अब देखो 9 मंथ में 74% रिटर्न, सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद 60% जैसे रिटर्न दे रहा है निफ्टी टॉप 10 ब्लू चिप, जो इंडिया का जो एनएससी में आप देखोगे जो इंडेक्सेस होते हैं, जो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स आप देखोगे उसी इंडेक्स से 10 स्टॉक्स को लिया गया है, आप देखो 48% रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद 45.30% रिटर्न दिखा रहा है। अब सोचो इतने सारे लार्ज कैप स्टॉक्स होने के बाद भी कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आगे जाके ऐसा रिटर्न दे सकता है, पास्ट रिटर्न देख के हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस एंड जो स्टॉक्स जितने सारे मैंने देखा एनालिसिस किया मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप एक मीडियम वोलेटाइल एंड मीडियम रिस्क टेकर हो एंड चाहते हो कि मैं लार्ज कैप एक्सपोजर लूँ, वोलेटाइल मार्केट में अपने आप को स्टेबल रखूँ, तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कोर बास्केट्स रहनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा आपको अगर ये समझ में नहीं आता है ना, तो आप ये दोनों स्मॉल कैप से एक पिक कर सकते हैं जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बाकी आप देख सकते हो सुपर मल्टीप्लायर जैसे मैंने कहा है काफी अच्छा रिटर्न दिया ही है, बट आप उनके पी रेशियो देखो 90.41, पीबी रेशियो 30.03, ये लार्ज एंड मिड कैप के साथ कंपेयर होता है, देखो लार्ज एंड मिड कैप की कितनी है 27.49 पी रेशियो, पीबी रेशियो 4.36 और शार्प रेशियो 1.08, यहाँ पे देखो पी रेशियो कितना ज्यादा है। सिमिलरली ग्रीन एनर्जी देखो 47.2, स्मॉल कैप की अगर आप देखोगे पी रेशियो 26.3, तो कितना हाई वैल्यू स्टॉक है। मैं थोड़ा सा थीमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच से दूर रहता हूँ, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ न्यूज के वजह से, किसी रीजन के वजह से, मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के वजह से पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में आपको वहां पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं ब्रॉड बेस स्मॉल कैप चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे बीएम विजन देख सकते हो, ये ब्रॉड बेस स्मॉल कैप है, बट यहाँ पे उनके पैसे के हिसाब से मैं तो दूर रहूंगा, इतना पैसा देके मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास पैसा है नो डाउट आप जा सकते हैं, ये भी काफी एक्सपीरियंस मैनेजर है। सो फ्रेंड्स अगर आप ओवरऑली देखोगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 4 स्मॉल कैप ऐसा है जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, गुल्लक गियर 6, जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड जीआई निफ्टी टॉप 10 एंड राइट मोमेंटम, ये 4 स्मॉल कैप जेन्युइन प्राइस भी है प्लस रिटर्न भी काफी अच्छे दिए हैं कंसिस्टेंटली, तो रिटर्न गुल्लक गियर 6 का तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। 4 साल में आप देखोगे, ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया था, बहुत ही अच्छे से रिटर्न दिया है। मैंने कह रहा हूँ कि ये आपको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप एनालिसिस करो, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे दो पर्टिकुलर ऐसे स्मॉल कैप है, जीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड जीआई निफ्टी टॉप 10 ब्लू चिप, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो ये वाली वीडियो देखिएगा, कंप्लीट एनालिसिस क्या है आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। और अगर उनके बारे में ज्यादा जानना हो तो ये वाली पॉडकास्ट देखिएगा उनके मैनेजर के साथ, बिलीव मी यू विल गेट ए ग्रेट आइडिया। तो आप
ये सारे चीज देखने के बाद ऐसे स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आप अपना रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, फिर आप ऐसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सेवन स्मॉल कैप ही अच्छा है, बाकी स्मॉल कैप नहीं है। आप गोल्फी के स्मॉल कैप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप है, इनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट वीडियो किया है, काफी एक्सपीरियंस मैनेजर है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, वहां पे आप देख सकते हो। फिलहाल अगर आप कंसीडर करते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी स्मॉल कैप में, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है, अगर आप यूज करते हो तो आपको 30% जैसा डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। क्यों आपको ज्यादा पैसा देना है? अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप डिस्काउंट कूपन कोड एवरेज कीजिए एंड सब्सक्रिप्शन फीस को कम कीजिए एंड आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करनी है, सो दैट आप इसे डिस्काउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेरे मोबाइल पर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वो जो पॉडकास्ट वीडियो के बारे में बताया था, ये वाली वीडियो ओपन कर सकते हो, या फिर ये जो करंट वीडियो है, आप इनके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको ये सारे लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट कूपन कोड दिया है FMGW20। लेट्स से मुझे अभी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना हो, जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करूंगा तो मेरे मोबाइल पे यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपके जो भी ब्राउजर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे डिटेल्स में, डिटेल इनका जो इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, सारे चीज आप देखोगे, कन्फर्म हो जाओगे ये वाली पोर्टफोलियो है। देन यहाँ पे आप सब्सक्राइब में क्लिक कीजिए, जैसे ही सब्सक्राइब में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा और ईमेल एड्रेस देने के बाद कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे आप जाएंगे जैसे ही तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देखो 5000 आपका 6 मंथ में होता है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई ऑफर में क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना जो डिस्काउंट कूपन कोड है यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, तो FMGW20 यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड। और अगर बाय चांस कुछ अपडेट होता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और मेरे कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे देखो कहाँ 5000 दे रहे थे, अभी यहाँ पे 4000 आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर वगैरह देके यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप जब 6 मंथ के बाद ऑटो रिन्यू होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे, आप ऑटो रिन्यू को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आप मुझसे डिस्काउंट कूपन कोड अगेन पूछ सकते हैं, या फिर अगर मेरे पास अवेलेबल भी होता है तो मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ पे अप्लाई करके अगेन आप 6 मंथ की डिस्काउंट कूपन कोड आपको मिल जाएगी एंड यहाँ पे अगेन डिस्काउंट के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। रिसेंटली मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए हैं इसी स्मॉल कैप में। अगर आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट आप ये वीडियो को अच्छे से देखो, ठीक से आप एनालिसिस करो, अगर आपको सही लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट काफी वोलेटाइल है। अगर आप सही पोर्टफोलियो चूज करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपका पैसा यानी आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।